स्कैन क्या होता है? ये एनोमली स्कैन, जिसके कई और नामों से भी ये जाना जाता है, जैसे कि कंजेनाइटल एनोमली स्कैन, टीफा स्कैन, लेवल 2 अल्ट्रासाउंड, मिड प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, एनाटमी स्कैन। तो कई नाम होते हैं इस एनोमली स्कैन के। मैं डॉक्टर दीप्ति जैन गायनेकोलॉजिस्ट आज आपको इसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि किन कंडीशंस में ये कराया जाता है, क्या कराना ज़रूरी है और इससे हमें क्या पता चलता है, क्यों ये सोनोग्राफी इतनी इम्पॉर्टेंट सोनोग्राफी होती है। तो आइए जानते हैं कंजेनाइटल एनोमली स्कैन, जिसको कि कॉमनली एनोमली स्कैन या टीफा स्कैन भी कहते हैं। सबसे पहले तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ, ये एक प्रकार की ट्रांस एब्डोमिनल सोनोग्राफी की जाती है, यानी कि पेट के ऊपर से इस आपका ये सोनोग्राफी की जाती है। इसको करने के लिए 20 से 25 मिनट का समय लगता है। यह आप किसी भी अच्छे सेंटर पे अच्छे रजिस्टर्ड डॉक्टर इस सोनोग्राफी को कराएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो रूटीनली इस प्रकार के एनोमली स्कैन्स करते हों, क्योंकि एक इसमें काफ़ी डिटेल में हमें देखना होता है और यह इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके द्वारा हमें बच्चे के अंदर की कई प्रकार की हम कंजेनाइटल एनोमलीज को डिटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली हम इस एनोमली स्कैन में क्या देखते हैं, इसके अंदर हम बच्चे का डिटेल देखते हैं। इस भी देखिए, ये किया जाता है लगभग 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी पे, यानी कि जब आपके 20 हफ्ते की प्रेगनेंसी होती है। आइडियल टाइम इसका 20 हफ्ते होता है, बाकी इसे 19 से 22 हफ्ते के बीच में कराया जा सकता है। क्यों हम इसे 19 हफ्ते से पहले नहीं कराते, क्योंकि 19 वीक्स से पहले जो होता है बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बेबी साइज स्मॉल होने के कारण हमें ऑर्गन्स ढंग से दिखाई नहीं देते और हम कुछ चीज़ मिस कर सकते हैं, इसलिए हम इसे 19 हफ्ते से पहले नहीं कराते हैं। 22 हफ्ते के बाद हम इसलिए नहीं कराते हैं क्योंकि बाय चांस अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिलती है तो फिर लीगल एज जो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की होती है वो निकल चुकी होती है, इसलिए हम इसे 22 हफ्ते के बाद नहीं कराते। हम इसे आइडियली 20 हफ्ते पर ही ये सोनोग्राफी करा लेते हैं। तो 20 हफ्ते पे ये जो सोनोग्राफी कराते हैं, इसमें हम डिटेल में देखते हैं बच्चे के बारे में, बच्चे की पूरी एनाटमी, क्योंकि उस टाइम तक ऑर्गन्स पूरे डेवलप हो चुके हैं। सो बच्चे की डिटेल एनाटमी देखते हैं हम। हम साथ में बच्चे की डिटेल एनाटॉमी देखने के साथ में माँ के बच्चेदानी गर्भाशय को भी अच्छे से चेक करते हैं, प्लेसेंटा देखते हैं, माँ के पेल्विक ऑर्गन्स को भी अच्छे से देखा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम बच्चे के ऊपर कि हम बच्चे के अंदर क्या क्या चीज़ें सोनोग्राफी में डिटेल में चेक करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम देखते हैं कि बच्चा सिंगल है या ट्विंस है। ऑब्वियसली इससे पहले वाली सोनोग्राफी से भी हमें इजीली पता चल चुका होता है कि इट इज़ अ सिंगल प्रेगनेंसी और इट इज़ अ ट्विन प्रेगनेंसी। सो बच्चा एक है, दो है, तीन है, पहली चीज़ जो हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चे की धड़कन कितनी चल रही है, वे कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल की रेंज में चल रही है। बच्चे का एक एक ऑर्गन डिटेल में, एक एक ऑर्गन का मतलब उसका स्कल डेवलप हुआ कि नहीं हुआ, उसके फेशियल स्ट्रक्चर, उसकी आईज, नोज, लिप्स, पैलेट, उसके लिम्स, हाथ पैर के अंदर भी उंगलियाँ, उसका हार्ट, उसकी किडनीज, उसका स्टमक, उसके बावल लूप्स, यानी कि बच्चे का एक एक ऑर्गन डिटेल के अंदर देखा जाता है, क्योंकि इससे हमें बच्चे के अंदर होने वाली कई प्रकार की एनोमलीज के बारे में पता चलता है। तो हम बच्चे के एक एक ऑर्गन को डिटेल में देखते हैं। मैं आगे वीडियो में आपको डेफिनेटली बताऊंगी कि कौन कौन सी एनोमलीज हमें इससे पता चलती हैं। तो बच्चे के एक एक ऑर्गन को डिटेल में देखा जाता है, इसलिए सोनोग्राफी करने में 20 से 30 मिनट का समय भी जाता है। तो एक एक ऑर्गन को डिटेल में देखा जाता है। बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है। ग्रोथ हम कैसे देखते हैं, फीमर लेंथ देखते हैं, एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस देखते हैं, बच्चे का हेड सर्कमफेरेंस देखते हैं, इन सब चीज़ों को मेजर करते हैं, जिससे कि हमें एक रफ टेंटेटिव आइडिया लगता है कि बच्चे की गेस्टेशनल एज, बच्चे की एज अभी कितनी चल रही है, वह उसकी पीरियड्स के अकॉर्डिंग जितना बच्चे की एज होनी चाहिए उससे कम है या ज़्यादा है। इस चीज़ का भी एक अपना एक महत्व है, क्योंकि अगर एज कम की साइड में चल रही है, यानी कि ग्रोथ रिटार्डेशन की साइड में, यानी कि बच्चे की ग्रोथ कम चल रही है, ज़्यादा की साइड में है तो भी उसका अपना सिग्निफिकेंस है कि अंदर शुगर लेवल्स तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं चल रहे हैं, जैसे कि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा की साइड में चल रही है। सो बच्चे का एक रफ ग्रोथ का हमें आइडिया लगता है ये मेजरमेंट्स लेके। बच्चे का कितना वज़न है वह हम देखते हैं। बच्चे के चारों तरफ जो पानी है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसका लेवल कितना है, पानी कम तो नहीं है, ज़्यादा तो नहीं है, कम है तो उसे हम ओलिगोहाइड्रामनियोस कहते हैं। बच्चे के चारों तरफ जो पानी होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उससे अगर उसका पानी कम है तो भी हार्मफुल है, ज़्यादा है तो भी हार्मफुल है। तो कम वाली कंडीशन को कहते हैं हम ओलिगोहाइड्रामनियोस और ज़्यादा वाली कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीहाइड्रामनियोस। ओलिगोहाइड्रामनियोस के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो उसके ऊपर है, आप उसे देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का नॉर्मल लेवल रहता है, हम कैसे उसे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली बच्चे के चारों तरफ कितना पानी है वह भी हम इस सोनोग्राफी से देखते हैं, जिसे हम कहते हैं हमारी भाषा में एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स। उसके द्वारा हमें पता चलता है कि बच्चे के चारों तरफ जो पानी है वह कम है, ज़्यादा है या ठीक है।
अगली चीज़ हम जो देखते हैं वो देखते हैं हम प्लेसेंटा की क्या लोकेशन है। प्लेसेंटा जो प्लेसेंटा है जिससे कि बच्चे के अंदर जो पूरा ब्लड और न्यूट्रिशन जब बच्चे के अंदर जाता है वो प्लेसेंटा के द्वारा जाता है, तो हम ये बेसिकली देखते हैं कि प्लेसेंटा सही उस पर है या नहीं है, उसकी क्या लोकेशन है। प्लेसेंटा फंडस में सिचुएशन है यानी कि बच्चेदानी के ऊपरी हिस्से में है, एंटीरियर है, आगे की दीवार पर है, पीछे की दीवार पर है, या वह लो लाइंग प्लेसेंटा तो नहीं है। लो लाइंग प्लेसेंटा जैसे कि हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं जिसके अलग प्रकार के रिस्क रहते हैं, उसमें ब्लीडिंग का रिस्क बहुत हाई रहता है, तो प्लेसेंटा अपनी नॉर्मल पोजीशन पे है या प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वह थ्री वेसल है, उसके अंदर तीन वेसल्स हैं या नहीं है या सिर्फ दो वेसल तो नहीं है, ये भी हम डिटेल में जानते हैं। बच्चे का वज़न भी हम इस सोनोग्राफी के द्वारा कैलकुलेट करते हैं, बच्चे की धड़कन, वज़न, डायमेंशंस, प्लेसेंटा, माँ के बच्चेदान, माँ के स्ट्रक्चर्स को भी यानी कि जो बच्चा जिस गर्भाशय में बड़ा हो रहा है, जिस यूट्रस में बड़ा हो रहा है, वह यूट्रस नॉर्मल शेप का है या बायकॉर्नोइड यूट्रस तो नहीं है, उसके अंदर किसी और प्रकार के कोई फाइब्रॉइड्स तो नहीं दिख रहे, साइड में ओवरी के अंदर कोई किसी प्रकार की गांठ या ओवेरियन मासेस तो नहीं है, मदर की किडनीज प्रॉपरली फंक्शन कर रही हैं, ये चीज़ें भी हम साथ में इस एनोमली स्कैन में डिटेल में देख लेते हैं। बच्चे की पूरी एनाटमी देखी, उसकी धड़कन देखी, प्लेसेंटा देखा, माँ के स्ट्रक्चर्स को देखा, पानी को देखा, यह पूरी चीज़ें हम डिटेल में जानते हैं। अब आते हैं हम कि इसके द्वारा हम कौन सी एनोमलीज़ को, कौन सी जन्मजात विकृतियों को हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, गुड नंबर ऑफ जन्मजात विकृतियाँ हम इससे डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि जो सबसे कॉमनेस्ट वन है वो है एनेनकेफेली। एनेनकेफेली यानी कि बच्चे का स्कल ही नहीं होना, माथा नहीं होना, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ही रहती है, तो एनेनकेफेली है तो हमें डेफिनेटली इससे पता चल जाएगा। स्पाइना बाइफिडा जो कि एक स्पाइनल कॉर्ड की तकलीफ होती है वह तो नहीं है। कई प्रकार के सिंड्रोम्स होते हैं यानी कि क्रोमोसोमल एनोमलीज होती हैं, जिसमें क्या आता है, पटाऊ सिंड्रोम है, जिसमें कि 13 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है वहाँ पे दो क्रोमोसोम होने की जगह तीन हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्राइजोमी 13। तो पटाऊ सिंड्रोम तो नहीं है, एडवर्ड सिंड्रोम तो नहीं है। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, 18 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है उसमें दो की जगह तीन हो जाते हैं, तो ट्राइजोमी 18 होती है, वह हमें पता चलता है। डाउन्स के बारे में तो डेफिनेटली पता चल ही जाता है, लेकिन उसके बारे में हमें और भी जो अर्ली प्रेगनेंसी, जो अर्ली सोनोग्राफी होती है उससे ही पता चल जाता है, जो हमारा एंटी स्कैन होता है जो हम लगभग 11-12 हफ्ते पे कराते हैं, डाउन्स के बारे में हमें उससे ही पता ईजिली चल जाता है। बच्चे के फेशियल स्ट्रक्चर्स को देखा जाता है, नाक का हाइपोप्लेजिया तो नहीं है, जो लिप्स है क्लेफ्ट लिप तो नहीं है, क्लेफ्ट पैलेट तो नहीं है, प्रॉपरली डेवलप है या नहीं है, लिम्स का हाइपोप्लेजिया तो नहीं है। कभी कभी जो लिम्स होते हैं यानी कि हाथ और पैर होते हैं वो स्मॉल साइज़ में होते हैं जिसको हम हाइपोप्लेजिया कहते हैं, या कभी कभी कंजेनाइटली एब्सेंट भी हो सकते हैं, तो हाइपोप्लेजिया तो नहीं है, एब्सेंट तो नहीं है। डिजिट्स यानी कि जो उंगलियाँ हैं वह नॉर्मल संख्या में है, कम या ज़्यादा तो नहीं है, वह भी हमें पता चल जाता है। बच्चे के हृदय के अंदर कोई जन्मजात विकृति तो नहीं है, हार्ट के अंदर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, चारों जो चैम्बर्स हैं वो प्रॉपरली बने हुए हैं या नहीं बने हुए, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीजेस भी हमें इसके द्वारा पता चलती हैं। दोनों बच्चे की किडनीज जो हैं वो प्रॉपरली डेवलप तो हैं, उसमें रीनल एजिनेसिस तो नहीं है, किडनी कोई एब्सेंट तो नहीं है, स्टमक बबल हमें ठीक से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ओम्फेलोसील तो नहीं है, गेस्ट्रोकाइसिस तो नहीं है। गेस्ट्रोकाइसिस क्या होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल जो होती है वो बच्चे की बनी हुई नहीं होती है, जिसके कारण जो इंटेस्टाइन के लूप्स होते हैं यानी कि जो बावल लूप्स होते हैं, आंतड़े होते हैं, वो शरीर से बाहर की तरफ निकल रहे होते हैं, क्योंकि जो सामने की दीवार होती है, एब्डोमेन की वॉल होती है, वो बनी हुई नहीं होती। कंजेनाइटल डायफ्रेगमेटिक हर्निया तो नहीं है। तो इन चीज़ों के बारे में भी हमें सोनोग्राफी इस एनोमली स्कैन से, जिसे हम टीफा स्कैन या मिड प्रेगनेंसी स्कैन कहते हैं, हम इससे ये वाली एनोमलीज, इसके अलावा भी और कई एनोमलीज होती हैं, तो मैंने आपको सिर्फ कॉमन जो एनोमलीज होती हैं उनका नाम बताया है, तो इनके बारे में हमें डायग्नोसिस मिलता है, इससे हमें पता चलता है। जैसे कि अगर बाय चांस कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है तो हम प्रेगनेंसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं इसके द्वारा, बेसिकली यही रोल होता है। कई बार पेशेंट हमसे पूछते हैं कि क्या यह कंपलसरी है कराना, तो देखिए एक कंपलसरी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर आप जानना चाहते हैं कि बच्चे में कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है, तो कराना डेफिनेटली अच्छा है। अगर आप नहीं कराना चाहते तो इट्स नॉट कंपलसरी कि बेबी नहीं होगा, अगर आप नहीं कराएंगे डेफिनेटली बेबी तो होना ही है, जैसा चल रहा है वह चलता रहेगा। हाँ, डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसे हम अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं इस एनोमली स्कैन के द्वारा। बहुत बार पेशेंट्स को लगता है कि हमने एनोमली स्कैन करा लिया तो अब तो बच्चे में 100% कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि कुछ हो ही नहीं सकता, तो ये चीज़ भी याद ध्यान रखिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनोमली स्कैन
40% बेस्ट हैंड्स के अंदर भी सिर्फ 40% एनोमलीज को ही डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत सी जो एनोमलीज होती हैं वो तो फिजियोलॉजिकल होती हैं या कोई एंजाइम रिलेटेड होती है, एनाटॉमिकल होती ही नहीं है जिसे हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। बहुत सी एनोमलीज ऐसी होती हैं जो बहुत स्मॉल साइज़ की होती है, माइक्रोस्कोपिक होती हैं, जिसे भी हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो हम बेस्ट हैंड्स में यानी कि बहुत ही अच्छी ढंग से सोनोग्राफी की जाए तो भी 40% तक की ही एनोमलीज को डिटेक्ट किया जा सकता है। कई बार पेशेंट्स को ये भी कन्फ्यूजन होता है, क्या इससे हमारे बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान पहुँचेगा, आधे घंटे की सोनोग्राफी है, इतनी किरणें जाएंगी तो बच्चे को नुकसान पहुँचने वाला है। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि इससे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान आपके बच्चे को नहीं होने वाला है, ये बहुत ही एक सेफ प्रोसीजर है, इससे घबराइए नहीं। आइडियली हम लोग हर पेशेंट में रिकमेंड करते हैं हर किसी को लेवल 2 स्कैन, कंजेनाइटल एनोमली स्कैन कराना ही कराना चाहिए, और इससे आपके बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई रिस्क, कोई डैमेज नहीं होने वाला है। अगर आपको इसके बारे में कोई और कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।